देखिए, शिव जी के दो स्वरूप हैं, एक साकार और एक निराकार। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जब मनुष्य अपने ध्यान को, एकाग्रता को, अपनी कंसंट्रेशन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहा था, तो उसने पहले ज्योति जलाई। ज्योति जला करके देखा कि ज्योति हिल रही है, तो उसका ध्यान जो है विचलित हो गया। उसके बाद भगवान का एक आकार बनाया गया, लिंगाकार, और उस पर ध्यान एकाग्र करने का प्रयास किया गया। वहाँ जो भगवान के भक्त हैं वो ठीक एकाग्र हो गए। तो एक ये भी कारण माना गया है कि भगवान के लिंग मनुष्य को एकाग्र करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। आप भगवान शंकर जी के लिंग के सामने बैठ जाइए और देखते रहिए, तो आपका जो ये ध्यान है वो केंद्रित हो जाता है। एक कारण तो ये माना गया है। दूसरा कारण ये है कि ये जगत जो है लिंगात्मकम जगत, पूरा ब्रह्मांड ही जो है लिंगात्मक है। अगर ब्रह्मांड को आप एक स्वरूप देंगे तो उसका स्वरूप ठीक जो है लिंगात्मक है, तो पूरा जगत ही लिंगात्मक है। तीसरा, लिंग बहुत प्रकार के माने गए हैं। देह भी एक लिंग है, प्रकृति भी एक लिंग है, और ब्रह्मांड भी एक लिंग है, ज्योति भी एक लिंग है। लेकिन हमारे शास्त्र और पुराणों के हिसाब से ज्योतिर्लिंगों को माना गया है। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे सौराष्ट्री सोमनाथम च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महांकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीम शंकरा सेतु वंदे तो रामेशम नागेशम द्वारकावनी वाराणस्यां तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटी हिमालय तो केदारम दिशमे चंच शिवालय एतानी ज्योतिर्लिंगानी सायं प्रातः पटे नर। इन ज्योतिर्लिंगों का सायंकाल और प्रातःकाल नाम लेने से भी देखिए। एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, शिव तत्व भगवान यहाँ पे आते हैं, आकर के हम लोगों के लिए छोड़ जाते हैं। तो भगवान की तीन चीज़ है जिसका हम अनुगमन करके, अनुसरण करके अपने अंतःकरण को, अपने मन को और अपने को शुद्ध कर सकते हैं और भगवत भाव दे सकते हैं। तो वो है भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान का काम। तो जितनी भी भगवान के जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों के स्थान है वो भगवान के धाम हैं। तो वहाँ जा कर के हम अपने अंतःकरण में अपने आँखों के द्वारा उस परिदृश्य को देख करके विश्रांति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भगवान के धामों को देखने का महत्व है। एक दूसरा है भगवान का नाम। जब भगवान कुछ आते हैं, यहाँ करते हैं, तो उनके अनेक नाम भी हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी के जो कथानक है, जो भगवान ने लीलाएं की है शिव रूप में, उनके कथानक है, उनका हम जो है जब वो कुछ करते हैं उनके अनेक नाम हो जाते हैं। शिवाय नमः, शंकराय नमः, महेश्वराय नमः, बहुत प्रकार के भगवान के 1000 नाम हैं शंकर जी के। ऐसे ही 1000 विष्णु भगवान के हैं, 1000 भगवान राम के हैं, 1000 भगवान कृष्ण के हैं। तो अनेकों अनेकों काम के कारण भगवान के अनेकों अनेकों नाम हो जाते हैं। तो तीन चीज़ मैंने आपको बताई, भगवान का धाम, भगवान का नाम और भगवान का काम। अब हम जो कथाएं सुनते हैं भगवान के विषय में, वो भगवान का काम है और वही कथा का स्वरूप ले लेता है। जब हम बैठ के उसको सुनते हैं, और जितनी देर हम उसको सुनते हैं उतनी देर कम से कम राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो मन और मस्तिष्क को खराब करने वाले दुर्गुण हैं उनसे बचे रहते हैं। और जब हम तीर्थों में जाते हैं उनके दर्शन करके भी हमारे अंदर वो परिदृश्य जाते हैं। तो जब जब एकांत में बैठ करके हम उन परिदृश्यों को का चिंतन करते हैं तो विश्रांति होती है। ऐसे ही भगवान का नाम है। तो भगवान तो धराधाम में इन तीन रूपों में ही विद्यमान हैं। तो उसी रूप में भगवान के दो स्वरूप हैं, लिंग स्वरूप और मूर्ति स्वरूप। मूर्ति स्वरूप में भगवान के काम भी हैं, भगवान के नाम भी हैं, लेकिन लिंग स्वरूप में भगवान के धाम हैं। और वो मुख्य जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, वो ज्योतिर्लिंग हैं। वैसे भगवान के बाण लिंग हैं। बाण लिंग माने किसी पीपल के नीचे किसी ने एक पत्थर का स्वरूप रख दिया, वो भी एक बाण लिंग होते हैं। आप देखते होंगे नदी में जो प्रवाह करते हुए पत्थर है वो लिंग स्वरूप में बन जाते हैं, ऐसे ही नहीं बनते। वो
वो घिसते घिसते रगड़ते 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 जो है वो लिंग आकार बन जाते हैं। आप कभी जाइए हरिद्वार में, आपको बहुत प्रकार के लिंग मिल जाएंगे। अपने आप बद्रीनाथ जी में जाइए, सरस्वती नदी में, वहाँ पे भी आपको इस तरह से, तो सभी नदियों में जो है पत्थरों के रूप में भगवान परिष्कृत रूप करके वो पत्थर भी शिव स्वरूप हो जाते हैं, और वही शिव हमारे श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक बन जाते हैं और पूजनीय हो जाते हैं। वैसे भी हमारे धर्म संस्कृति में हम सारी प्रकृति को पूजनीय मानते हैं। जीव पूजनीय है, जंतु पूजनीय है, पशु पूजनीय है, वृक्ष पूजनीय है, सारी प्रकृति के से ओतप्रोत जितना भी, इसीलिए तो अणोरणीयान महतो महीयान, ईश्वर सब अण और कण में विद्यमान है। ये हमारी धर्म और संस्कृति है, इसीलिए हम पूरे ब्रह्मांड के समस्त प्रकृति के समस्त जीवों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और कुछ दिव्यता को उसकी पूजा भी करते हैं।